नमस्ते इंडिया, वेलकम टू रेसल इंडिया। फ्रेंड्स वेलकम टू स्मैकडाउन हाईलाइट रिजल्ट्स। फ्रेंड्स आज ही स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत होती है सेन मैकमैन से। सेन मैकमैन कहते हैं कि हम सभी को स्मैकडाउन पसंद है, यहाँ ऐसे दो लोग हैं जिन्हें स्मैकडाउन की कोई परवाह नहीं है। मैं उन्हें लास्ट वीक फायर करने वाला था, लेकिन डैनियल ब्रायन लंबर चेक मैच का आइडिया दिया और मुझे ये आइडिया पसंद आया। मुझे लगा था कि मैच के बाद डैनियल ब्रायन इन दोनों को फायर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेन मैकमैन ने उसके बाद डैनियल ब्रायन को बाहर बुलाया। डैनियल ब्रायन बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि सेन, मैं फायर करने की जगह दूसरा चांस देना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। वो टीम का हिस्सा नहीं थे सर्वाइवर सीरीज में, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। सेन तुमने भी गुस्से में गलत फैसले लिए हैं। सेन उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे केविन ओवेंस ने विंस मैकमैन पे अटैक किया था और हेल इन अ सेल मैच में सेमी जेन ने इंटरफेयर किया था। इस पर डैनियल ब्रायन कहते हैं कि सेन, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा तो तुम्हें गलत लग रहा है। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं जो फैसले लेता हूँ वो स्मैकडाउन के बारे में सोच समझ के लेता हूँ। सेन मैकमैन डैनियल ब्रायन की बात से एग्री करते हैं और केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में बदल देते हैं और साथ ही सेमी जेन को रिंग साइड से बैन भी कर देते हैं। आगे हमें द न्यू डे वर्सेस बेंजामिन और चैट गेबल के बीच एक मैच देखने को मिलता है। इस मैच में रिंग साइड पे कमेंट्री टेबल पे होते हैं द उसोस। काफ़ी अच्छा मैच देने के बाद द न्यू डे की यहाँ पे जीत हो जाती है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है द हाई ब्रोस वर्सेस द बेंजिन ब्रदर्स। इस मैच में बहुत थोड़े से टाइम में बेंजिन ब्रदर्स की जीत हो जाती है और मैच के बाद सबको शॉक करते हुए मोजो रॉली जैक राइडर पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद मैच था एजे स्टाइल्स वर्सेस द सिंह ब्रदर्स के बीच। जिंदर महल मैच स्टार्ट होने से पहले ही एजे स्टाइल्स पे अटैक कर देते हैं। बाद में इस मैच को फाइनली स्टार्ट किया जाता है और एजे स्टाइल्स रोप के ऊपर से स्टाइल क्लैश देकर इस मैच को अपने नाम कर देते हैं। नेक्स्ट मैच एक टैग टीम मैच होता है शार्लेट नेओमी और नटालिया वर्सेस रूबी रॉयट लिव मॉर्गन और सारा लॉगिन के बीच। ये मैच बीच में ही छोड़ के नटालिया बैकस्टेज चली जाती हैं और इसी वजह से शार्लेट और नेओमी ये मैच हार जाती हैं। आज का मेन इवेंट था रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। ये मैच काफ़ी अच्छा था वैसे देखा जाए तो। दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे पे चेयर्स, स्टील स्टेयर्स और कैंडल स्टिक जैसी चीज़ों से अटैक कर रहे थे। कोई भी सुपरस्टार हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मैच में लड़ते लड़ते दोनों क्राउड के बीच से होते हुए एंट्रेंस एरिया की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे सेमी जेन पीछे से आकर रैंडी ऑर्टन पे चेयर से अटैक कर देते हैं और लास्ट में केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को फ्रॉग स्लैश देकर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की स्मैकडाउन एंड हो जाती है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको स्मैकडाउन आज का कैसा लगा और ऐसे न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।